जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं डिजिटेक एजुकेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी कि क्या होते हैं फाइबर और कितने टाइप्स के फाइबर होते हैं, ठीक है। फिर हमने बात करी थी कि एक नेचुरल फाइबर होता है और एक सिंथेटिक फाइबर होता है। तो आप अगर देखेंगे कि डेक्रोन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, टेरेलीन हो गया या पॉलीइथाइलीन फैलेट हो गया, ये सारे हमारे सिंथेटिक फाइबर्स है, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स है। ध्यान देना कि ये जो है इस टाइप के जो पॉलीमर्स है इनके अंदर ईस्टर लिंकेज होता है। ईस्टर लिंकेज में अगर आपको दिखाऊं तो ईस्टर लिंकेज आप देख पाएंगे, ये इस प्रकार का लिंकेज यहाँ पर है। इसको हम बोलते हैं क्या, ईस्टर लिंकेज, ठीक है। तो इस टाइप के पॉलीमर में क्या होता है, ईस्टर लिंकेज देखने को मिलता है किसके अंदर, मेन चेन के अंदर। तो ये क्या है, 18% का मार्केट जो है पूरा, ठीक है, किसका, सिंथेटिक पॉलीमर्स का जो 18% का मार्केट है वो केवल और केवल हमारा किसने शेयर कर रखा है, इन पॉलीमर्स ने शेयर कर रखा है, ठीक है, या ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई बेसिक सी। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज की बात करते हैं हम कि आखिर में टेरेलिन कैसे हमको मिलेगी। तो क्वेश्चन आता है जनरली एग्जाम में कि राइट द प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज ऑफ टेरेलिन। तो टेरेलिन जैसे नाम से ही आपको एक चीज क्लियर होना चाहिए, TER आ रहा है। अगर टेरिलिन के अंदर TER आ गया, मीन्स टर से क्या आप थेलिक एसिड समझ सकते हैं, ठीक है, टर से क्या समझ सकते हैं आप, थेलिक एसिड, टर थेलिक एसिड, ठीक है। तो जहां पर भी टेरिलिन आ जाए मतलब वहां पर थेलिक एसिड का तो यूज हो रहा है, ठीक है। तो थेलिक एसिड का यूज होता है और साथ में ग्लाइकोल का यूज होता है, तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं थेलिक एसिड कैसी होती है। तो थेलिक एसिड आप देख पा रहे होंगे ये होता है, ठीक है, हमारी बेंजीन होती है, बेंजीन पे दोनों जो 1 और 4 पोजीशन है, ठीक है, 1 और 4 पोजीशन पे हमारा COOH COOH अटैच होता है। ये हमारा हो गया थैलिक एसिड और ये हो गया ग्लाइकोल। मींस ग्लाइकोल में क्या होगा, 1 और 2 पोजीशन पर हमारे क्या होंगे, एल्कोहल अटैच होंगे। जब क्या होगा इसके अंदर प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि जो इथाइलिन ग्लाइकोल है या टर्थेलिक एसिड है, ठीक है, दोनों की जब रिएक्शन होगी तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से टेरिलिन मिलेगा। और टेरिलिन जिसकी हम बात करें, यही जिसको हमें चाहिए, मींस जो पॉलीमर हमें चाहिए वो यहां से बनेगा। कैसे बनेगा, प्रोड्यूस बाय कैटलिस्टिक एटमोस्फेरिक ऑक्सीडेशन ऑफ पैराजाइलिन। पैराजाइलिन जो है उसका ऑक्सीडेशन, एटमोस्फेरिक ऑक्सीडेशन की मदद से हमें यहां से क्या मिलेगा, टेरिलिन मिलेगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे बिल्कुल बेसिक है, ये हमारा था इथाइलिन ग्लाइकोल और ये था हमारा टर्थेलिक एसिड। दोनों में से तुमने क्या किया, H2O निकाल दो। इनकी जब कंडेंसेशन रिएक्शन होगी तो आपको ये देखने को मिलेगा और इसी स्ट्रक्चर को नाम दिया टेरिलिन या फिर पॉलिस्टर, ठीक है। मेरे ख्याल से चीजें आपको क्लियर हुई होगी। देखो इथाइलिन ग्लाइकोल से आपने OH निकाला और थेलिक एसिड से आप H निकाल दो। जब ये OH और H निकलेंगे तो यहाँ से क्या दे देगा आपको, H2O रिमूव हो जाएगा। H2O रिमूव होने के बाद आपको टेरिलिन का स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम्स में आता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हो सकती है। तो प्रॉपर्टीज इसकी क्या क्या होगी, ये जो टेरिलिन आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको, इसकी प्रॉपर्टीज है कि दे ऑकर्स एज ए कलरलेस रिजिड सब्सटेंस। ये कलरलेस रिजिड सब्सटेंस होता है, इसका कोई भी कलर आपको नहीं देखने को मिलेगा स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर बात करें कि इट इज हाईली रेसिस्टेंस टू द मिनरल एंड ऑर्गेनिक एसिड। जो मिनरल और ऑर्गेनिक एसिड होता है उसमें हाईली रेसिस्टेंस होता है, मींस ये इनसोल्यूबल होता है किसके अंदर, मिनरल और ऑर्गेनिक एसिड में। बट लेस रेसिस्टेंट होता है अल्कालीज, जो अल्कालीज होती है उन पे क्या होता है, लेस रेसिस्टेंट होता है, मींस अल्कालीज जो है, अल्काली ग्रुप जो है वो इस पर आसानी से अटैक कर पाएगा, ठीक है। एंड हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है, मींस वाटर हीटिंग होता है। एक होता है हाइड्रोफिलिक और एक होता है वो हाइड्रो फोबिक। फोबिक का मतलब आप समझते हो कि डर, ठीक है, अगर समझे हम तो डर, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पर है, मींस हाइड्रो मींस वाटर एंड फोबिक मींस पानी से डरने वाला सब्सटेंस है, कौन हमारा, टेरिलिन, ठीक है। इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्या मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर एरोमेटिक रिंग का प्रेजेंस है और एरोमेटिक रिंग का वजह से इसमें रेजोनेंस होता है। ये देख पाएंगे आप, एरोमेटिक रिंग है, मींस यहाँ पर हकल्स रूल जो होता है आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, हकल्स रूल फॉलो होता है, हकल्स रूल फॉलो होता है, तो इसमें एरोमेटाइजेशन होता है जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये तो प्रॉपर्टीज की बात हो गई। बात कर लेते हैं हम यूसेस की। यूसेस क्या है,
इट इज मोस्टली यूज फॉर मेकिंग सिंथेटिक फाइबर। देखो सिंथेटिक फाइबर बनाने में इसका जरूरत लगती है, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये जैसे टेरेलिन वगैरह हो गया, ये हमारे सारे सिंथेटिक फाइबर्स ही है, ठीक है। नेक्स्ट जो है, इट कैन बी ब्लेंडेड विथ वूल कॉटन फॉर बेटर यूज एंड रिंकल रेसिस्टेंस, ठीक है। ये भी इसका एक एप्लीकेशन है, बेटर रेसिस्टेंस या बेटर यूज के लिए हम इसको ब्लेंड कर देते हैं वूल से। अदर एप्लीकेशन ऑफ पॉली इथाइलिन टर्थेलेट फिल्म इज इन इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। इसका भी हम लोग इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में यूज कर सकते हैं। तो आई होप चीजें आपको क्लियर होगी। हम लोगों ने आज क्या बात करी, हम लोगों ने देखा कि डेक्रोन पॉलिस्टर या टेरेलिन क्या होता है, फिर टेरेलिन कैसे बनती है। टेरेलिन हमारी इथाइलिन ग्लाइकोल और टर्थेलिक एसिड की मदद से जब दोनों का पॉलिमेशन होगा, कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, वाटर का रिमूवल होगा, तो हमारा टेरेलिन मिलेगा हमको, ठीक है। फिर प्रॉपर्टीज की बात करी एंड यूसेस की बात करी। आई होप चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।